हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। भक्ति भाव से भर दे तन मन पावन कर दे, भक्ति भाव से भर दे तन मन पावन कर दे, सच्ची राह दिखाए साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं। ऐसी कथाएं जिनको सुनकर मन के द्वार खुल जाते, अंधियारे जीवन में भक्ति के दीपक जल जाते। ऐसी कथाएं जिनको सुनकर मन के द्वार खुल जाते, अंधियारे जीवन में भक्ति के दीपक जल जाते। मुश्किल की आहट से, हर दुख हर संकट से, मुश्किल की आहट से है हर दुख हर संकट से, नैया पार लगाएं साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं, साईं कथाएं। आज रामनवमी है, मैं दिए जलाना चाहता हूँ, पूरी द्वारका माई को रोशन करना चाहता हूँ। आप सब राम जन्म की तैयारी करो, मैं दिए के लिए तेल लेकर आ रहा हूँ। अब पराओ जी बाबा, तेल चाहिए। रामनवमी का त्योहार है ना। लेकिन साईं, तेल तो खत्म हो गया है। राम तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे। बाबा, तेल चाहिए। जमाल मियां, आपको कैसे पता चला कि मैं तेल लेने आया हूं? आप रोज द्वारका माई में दिए जलाते हैं ना, ये शिरडी जो सजी है आज आप ही की वजह से है।
सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आज के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था। प्रभु का जन्मदिन तो मनाना ही चाहिए, क्यों? हाँ हाँ रुकिए, अभी देता हूँ। अल्लाह तेरा भला करे। बाबा, तेल तो खत्म है, लेकिन अभी भी आपने कहा कि देता हूं। ख्याल नहीं रहा बाबा, तेल तो कल से खत्म है। अल्लाह, अज्ञान का अंधकार बढ़ता जा रहा है, इन्हें रोशनी दे, इनके दिलों में भी ज्ञान के दीप जला मालिक। बेजी, अब तो शिरडी में कोई दुकानदार नहीं बचा जो साईं को तेल देगा। हाँ, चार ही थे और चारों ने मना कर दिया। वो देखो, खाली हाथ द्वारका माई वापस जा रहा है साईं। अब देखते हैं कि कैसे जलाता है दिया साईं। देखो बाबा, मैंने और तात्या ने पूरी द्वारका माई में दिए लगा दिए हैं। बस तेल डालना ही बाकी है। साईं बाबा, राम जन्म का समय हो रहा है। हाँ हाँ, 12 बजने को ही है। तेल दीजिए ना, मैं और तात्या तेल डालकर दीप जला देते हैं। लक्ष्मी बेटी, तेल नहीं है। अगो भाई, तेल नहीं है? आप तो तेल लाने गए थे ना? हाँ, शिरडी की दुकानों में तेल नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, सबके यहाँ तेल खत्म हो गया। क्यों अप्पा राव, तेल नहीं है दुकान में? मेरा मतलब है, तेल तो हमेशा होता है, लेकिन आज खत्म हो गया है। तेल खत्म नहीं हुआ है अप्पा राव, समाज की भलाई के लिए कुछ करने का जज्बा खत्म हो गया है तुम में। अरे, तुमको तो अपने नसीब पर गर्व करना चाहिए अप्पा राव। तुम्हारी दुकान पर भगवान खुद आए, वो भी दीप नहीं जलेंगे? जरूर जलेंगे, अगर लोगों के मनों में आस्था और भक्ति जागृत करनी है तो दीपों को जलना होगा। अगर लोगों को चमत्कार ही चाहिए विश्वास के लिए तो चमत्कार होंगे। दीप जलेंगे। लेकिन तेल के बिना दीप कैसे जलेंगे बाबा? घबराओ नहीं, तेल है। कहाँ है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ रखा है बताइए। वो कोने में जो मटका है उसमें तेल है। वैजी, साईं ने तो पहले से ही तेल से भरा मटका रखा हुआ है। बाबा, ये तो पानी है।
में पानी है। पानी तो मटके में ही होता है धोंडू। बेचारा साईं पागल हो गया है द्वारिका नाजी। डर गया है मैं जी, डर गया है कि कहीं पोल खुल गई तो। राम राम राम। मटके में पानी है, देखता हूँ प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं। लक्ष्मी, तात्या, इधर आओ। ये जितने दिए तुमने लगाए हैं सबको उस पानी से भर दो, जाओ। पगला गया है, पानी से दिए जलाएगा क्या? साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। भैया ने कहा है तो जलेंगे ही। साईं बाबा पर श्रद्धा रखे। राम राम राम। कभी पानी से दिए जले हैं है? प्रभु राम की इच्छा। साबित करने की आपकी मेहनत गई पानी में। अरे चुप रहो मूर्खो, अब मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। साईनाथ की जय। 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 नवमी उजले पक्ष की सुखद काल मध्यान, लखन भरत शत्रुघ्न संग प्रगटे श्री भगवान। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे। संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। धन्य धन्य कौशल्या माई, जिनसे राम महानिधि पाई। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे, प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तो जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यहीं जाए मनाए। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साई, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे, राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तो जय श्री राम हरे। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला। राम लला जय राम लला, राम लला की जय। बात नहीं ये सुनी सुनाई, आंखों देखी बात है भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। चमत्कार यहाँ ऐसे देखे, जल से दीपक जलते देखे। राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे, राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे। हो मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जो मन से जहाँ ध्यान लगाए, वही राम के दर्शन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। मन में रखे राम की मूरत, जाए अयोध्या नहीं जरूरत। एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे, एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे। जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। मंगल कारण राम लला, पावन राम लला। राम लला जय राम लला, राम लला कर सबका भला। पराए बच्चों का तो डर ही रहता है, और वो भी जब उसके माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें सौंपकर किसी रिश्तेदार को मिलने गए हों।
किशन। किशन ऐसा तो हम रोज डराते हैं। मुझे क्या पता था कि किशन नब्ज ही नहीं मिल रही। देखो ना, डोर वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। अगर सांस चलती तो डोर हिलती ना। भाईजा, अचानक डर की वजह से किशन की दिल की धड़कन रुक गई है। किशन जिंदा नहीं रहा। भाईजा, बेचारे अप्पा राव के घर का दिया बुझ गया। नहीं, क्यों अप्पा राव? आपने झूठ बोला था ना, साई को तेल ले दिया तुमने। पर लक्ष्य ठेव, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर में दिए नहीं जलेंगे। नहीं। दादिया, भाग कर जा और वैजी को बुला कर ला, जल्दी जा, जा। रहम कर अल्लाह, इसके तो माँ बाप भी यहाँ नहीं, रहम कर। दादिया, भाग कर जा और वैजी को बुला कर ला, जल्दी जा, जा। रहम कर अल्लाह, इसके तो माँ बाप भी यहाँ नहीं, रहम कर। साई बेटा, साई, साई, चल, तू मेरे साथ चल। माँ, क्या हुआ माँ? वो इतनी घबराई हुई क्यों? वो अप्पा राव तेली, उनका बेटा किशन है ना, वो खेलते खेलते, तू चल, जल्दी चल। लोग कह रहे हैं वो मर गया है, तू जल्दी से बचा ले उसे, चल जल्दी चल। पर माँ, जन्म मरण ही तो संसार है, ये होता रहा है, होता रहेगा। नहीं, किशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों माँ? तुझे पता नहीं है बेटा, जब अप्पा राव तेली ने तुझे तेल नहीं दिया था, इसी द्वारका माई में तूने पानी से दिए जलाए थे। तब मैंने अप्पा राव से कहा था, एक दिन तुम्हारे घर में दिया नहीं चलेगा। सही बेटा, मेरी बद्दुआओं से लग गई। हाँ, मेरी बद्दुआओं से लग गई। मैं नहीं चाहती किसी ने इस वक्त मर जाए। अप्पा राव और आनंदी ने उसे मेरे यहाँ छोड़ गए थे, मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गए थे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? अब तो मैं जिंदगी भर उनकी अपराधी रहूंगी। साई, मुझे उनकी बद्दुआ से बचा ले बेटा। किशन को बचा ले बेटा, मुझे बचा ले बेटा, मुझे अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। बेटा कभी माँ पर मेहरबानी नहीं करता। माँ, आप चिंता मत करें, वैद्य कुलकर्णी किशन का इलाज कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसे जल्दी से ठीक कर दे। चल, जल्दी चल, चल ना। सबका मालिक एक है माँ। Thank you.
नारायण जी, साईं बाबा। भैया किशन को जगाओ ना, वो डरकर सो गया है। वैद्य ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जगा। साई बाबा, साई बाबा, किशन मर गया। नहीं रखी, वैद्य जैसे अश्विनी कुमार के शिरडी में होते हुए किशन कैसे मर सकता है। रंगी बेटी, किशन थक गया है इसलिए सो रहा है। अब क्या चिंता मां, वैजी ने इसे ठीक कर दिया है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। नहीं नहीं वैजी, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा। मैं आपका आदर करता हूं और मुझे यकीन है कि किशन आपके इलाज से ही ठीक होकर बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। रंगी, तात्या, लक्ष्मी, किशन तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? हाँ। फिर से किशन के साथ खेलोगे? हाँ। तो फिर आवाज दो किशन को। किशन, 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 किशन। अरे मैं यहाँ कैसे? और ये लेप? किशन, तू ठीक हो गया? देखो तो। सबका मालिक एक। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। पागल, पागल हो गए हैं शिरडी के लोग। अरे मरा हुआ इंसान भी कभी जिंदा हुआ है? हमने तो नहीं देखा। अरे चुप करो मूर्खों। हैं? द्वारिका नाथ जी, लोग पागल नहीं हुए हैं। उस ढोंगी साई बाबा ने लोगों को पागल बना दिया है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बच्चा मरा ही नहीं होगा। हाँ, तभी तो मैंने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा इलाज पूरा ही नहीं हुआ तभी वो ढोंगी साईं बाबा बीच में आ टपका। राम राम राम, मेरी तो शिरडी वासियों पर धाम जमते जमते रह गई। द्वारिका नाथ जी, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, पानी। हाँ वैजी, मैंने देखा आपके चेहरे पर कौवे उड़े हुए थे। कौवे नहीं, तोते। द्वारिका नाथ जी, ये मेरी वैदिक विद्या का अपमान है और मैं अपने ज्ञान का अपमान सह नहीं सकता। द्वारिका नाथ जी, मैं सोचता हूँ कि इलाज करना बंद कर दूं। वैद्य जी, आग से कहते हो कि वो जलाना छोड़ दे, नदी से कहते हो कि वो बहना बंद कर दे,
अरे आप तो साईं बाबा को खुद रास्ता देना चाहते हो, और वो भी तो यही चाहता है कि हम सब अपने अपने धंधे बंद करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ वैद्य जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, हम शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम दोनों ठीक कहते हो दगड़ू धोंडू, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम उस साईं बाबा को शिरडी से निकाल बाहर करेंगे। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं, इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वो ही नाना साहब के नाम से मशहूर है, उससे कहना बहुत इंतजार किया है मैंने उसका, अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहेब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं, और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहेब, हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं, और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूँ। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहेब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहेब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है, यहाँ तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं, जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, और आपको अपने इलाके में होने वाले हर छोटे बड़े मामले का पता होना चाहिए। यस सर। हम चाहते हैं हेस्टिंग्स कि आप उस खबर का पता लगाएं जो हमको मिली है। कलेक्टर साहब, किस खबर के बारे में कह रहे हैं आप? खबर मिली है कि कालू भील हमारे इलाके में कहीं डाका डालने वाला है। सर, वो वैसे भी 5-6 केसेस में हमको वांटेड है। अगर आपका ये खबर सच है तो हम भीम कालू को बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगा। और हम यही चाहते हैं हेस्टिंग्स। कालू, मैं हूं तुम्हारा मुखबिर। तुमने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। क्या खबर लाए हो? खबर? गांव में बस एक ही आदमी अमीर है, सिर जयचंद मारवाड़ी। तुम्हें क्या लगता है डाके में कितना माल मिलेगा? बस समझ लो 8-10 हजार रुपए से कम नहीं, उससे ज्यादा ही। सभी को पैसा चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति कोई चाहता ही नहीं। मैं जो कहता हूं उसका मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। मेरे सरकार का खजाना तो ऐसा है कि कभी खाली नहीं होता।
सरकार का खजाना, आध्यात्मिक भंडार। हाँ, और जो इस भंडार में से जितना ले जाएगा उतना ही उसका कल्याण होगा। महालसापति, मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार हमेशा अद्वितीय होता है, इसलिए उस फकीर की भक्ति करो। मेरा क्या, ये शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा साईनाथ? मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी, मेरी समाज भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। निराश मत होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा, तुम हमेशा मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ चिरंतित पाओगे। मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास तुम्हें लाभ देगा। अरे कहाँ है उस मारवाड़ी का घर? आगे, हम उसी तरफ जा रहे हैं। वैसे किसी का ध्यान तो नहीं है हम पर, फिर भी पुलिस को तो शक नहीं। शक? जय हरि विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। साईं बाबा, अच्छा लग रहा था, आप नाच रहे थे। लक्ष्मी बेटी, वो मुझे नचा रहा था। और कौन? मेरा भक्त है, बहुत मन से गा रहा था। लक्ष्मी बेटी, मैं अपने भक्तों को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूं। मैं तो अपने भक्तों का दास हूं ना। कौन है आपका भक्त? दास गड़ू। ये है जयचंद मारवाड़ी का घर। नमस्कार नाना साहेब। अरे दासगनु, आप? आपको तो इंस्पेक्टर हेस्टिंग ढूंढ रहा था। मुझे? ए रुक जाओ, बोलो तुम। ए भाग, ए पकड़ो। आज से तुम मेरे हाथ से बच गया, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आया है, कालू के रास्ते में, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।
ब्रेवो, हवलदार गणेश ब्रेवो, कालू भील भाग गया है। उसे भागने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया है कि हम उसके पीछे हैं, और एक न एक दिन हम उसको जरूर पकड़ लेगा। मिस्टर गणेश, तुम्हारा ड्यूटी से गायब हो जाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके लिए हम तुमको सजा भी दे सकता है। Do you understand? ना, नाराज मत होइए इंस्पेक्टर साहब, क्रोध अकल का भी दुश्मन है और सेहत का भी। आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए, और छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करें। You shut up! तुम हमको नसीहत देता है? मैं तो आपका भला चाहता हूँ, और आप पर भगवान की कृपा चाहता हूँ। कीजिए अपने प्रभु की भक्ति, मिलेगी आपको क्रोध से मुक्ति। I say out! Get out from here! नाना, मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना? मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा, किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहेब, किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा, नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहेब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। नानी, अरे नानी, ये क्या? शादी में मेरा नामकरण सरस्वती करने के बाद भी आप मुझे नानी कहते हैं? अरे तुम तो बिना नानी बने ही सारे गांव की नानी बन गई हो। वो तो आपको नाना बोलते हैं, इसीलिए मुझे नानी कहते हैं। वरना मुझे नानी और आपको सचमुच नाना बनने के लिए पहले हमारी बेटी मैना की शादी होनी चाहिए। वो तो है। है कहाँ मैना? माँ, ये रही हमारी बेटी। आपको पता है माँ, कालू भील हमारे गांव में डाका डालने आया था। सारे बाजार में यही चर्चा है। और नाना, आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था? फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है,
वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ, कुछ देर पहले जब मैं शिवजी के मंदिर से पूजा करके निकली, मैना, मैना बेटी, यहाँ आओ। मैं? हाँ, तुम ही आओ। बेटी, तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा, बार बार बुला रहा हूं उसे लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूं उन्हें, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? कहाँ गए? नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे, मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? नाना साहब, आपको तो पता है कि पिछले साल इस महामारी की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई थी। हम नहीं चाहते कि इस साल भी फिर वही कांड रिपीट हो। जी, उसके लिए इस गांव में हर किसी को महामारी का टीका लगवाना होगा। महामारी का टीका? यस, ये एक नई खोज है नाना साहब। ये यूं समझ लीजिए कि महामारी जैसे डेंजरस बीमारी से बचने के लिए यही एक तरीका है। फिर तो यह बहुत जरूरी है कलेक्टर साहब, मैं अभी बोल देता हूँ गांव वालों को कि वो टीका लगवाएं। आपको क्या लगता है नाना साहब, कि आप सिर्फ गांव वालों को बोलेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे? नो नाना साहब नो, ये गांव के लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तरह तरह के सुपरस्टिशंस, तरह तरह के वहम होते हैं। इन गांव वालों को यह समझाना होगा, इनके दिमाग में ये बात डालना होगा कि ये टीका इनके लिए क्यों जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं, उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाए? जिस आदमी पर सारे गांव वाले विश्वास करते हैं, उसका सच्चे दिल से आदर करते हैं, अगर वो शख्स सबसे पहले सबके सामने आकर खुद को वो टीका लगवाए तो गांव वालों को यकीन हो जाएगा कि इस टीके में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर, ऐसा आदमी कौन है जिन पर लोगों का विश्वास है, जिनका वो दिल से आदर करते हैं? एक शख्स है हमारी नजर में जिस पर सारे गांव वाले विश्वास करते हैं, उसका सच्चे दिल से आदर करते हैं, और वो शख्स है नाना साहेब चांदोलकर। यू कलेक्टर साहब को बोल दो, वो खुद टीका क्यों नहीं लगवाते? दूसरों की जान क्या जान नहीं? बिल्कुल नहीं लगाना आप टीका। लेकिन वो कलेक्टर साहब हैं, अगर उनका हुक्म नहीं माना तो वो नाराज हो जाएंगे। सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने मुझे सोचने के लिए, मुझे तो डर लग रहा है।
जिस पर साईं बाबा की कृपा हो वो कभी किसी से नहीं डरता नाना साहेब। बाबा साहेब आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए। कहिए नाना साहेब, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है, इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अब रुके क्यों हो, भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहां? वहां पीछे जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे, वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब। कहाँ हैं साईं बाबा? मैं यहां हूं नाना। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आप साईं बाबा? लेकिन आप तो जंगल में थे। मैं हर जगह हूं नाना, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं हर जगह पहुंचता हूं। महलसापति, देखो मेरा नाना आया है। नाना श्यामा, नाना सब कुछ भूल गया है लेकिन मैं नहीं भूला हूं। इसका और मेरा चार जन्मों का संबंध है नाना। कुछ छुपा रहा है मुझसे, कुछ लाया है मेरे लिए। मुझे मालूम था तू मुझसे मिलने आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। लम मुझे दे, क्या लाया है मेरे लिए, दे दे मुझे दे, जल्दी दे। माफ कीजिए साईं बाबा, मैं कुछ नहीं लाया हूँ। ए नाना, ते झूठ नहीं बोल रहा। हाँ नहीं साईं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बाबा साहब देंगले मेरे घर आए थे और मुझे जल्दी जल्दी में
अपने साथ ले आए। मैं आपके लिए भेंट लाना ही भूल गया। तुम भूल गए हो, लेकिन नानी भला कभी भूल सकती है? आप नानी को जानते हैं? मैं हर किसी को जानता हूं नाना। याद करो, नानी ने तुम्हें कुछ दिया था। सुनिए, ये आपके रास्ते के लिए रख लीजिए। क्या है इसमें? बादाम, काजू, किशमिश और खड़ी शक्कर। नाना साहेब, साई नाथ से कुछ भी छुपा नहीं रहता। नानी ने मुझे किशमिश दी, ये सिर्फ मैं, बाबा साहब, मैना और नानी जानते हैं। शिरडी में बैठे बैठे साईं बाबा ने कैसे जान लिया? नाना, तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझे सब पता है। और वो किशमिश जो तुमने अपने कोट की जेब में रखी है, उसे बाहर निकालो और हम सबको दो। नानी के हाथ की दी हुई किशमिश खाने को कब से बेचैन है। नाना साहेब, हमारे इस अनोखे भगवान की लीला भी अनोखी है। वैसे तो हमेशा भक्ति भगवान से मांगता है, लेकिन हमारा भगवान भक्त से मांग रहा है। नाना साहेब, आप पर साईनाथ की विशेष कृपा है। सबको बांट दो। इसमें है कितना जो सबको बांटने को कह रहे हैं साईं बाबा? अरे सुनो, सब मत खा जाना, नाना साहब के लिए भी थोड़ी रख लेना, नहीं तो नानी मुझसे नाराज हो जाएगी। नाना, हमने तुम्हें नानी का प्यार लौटा दिया है, उसे कहना किशमिश स्वादिष्ट थे। और हां नाना, हमारी मैना ताई के लिए उसके मामा जो रिश्ता लाए थे, उसका क्या हुआ? मेरे भाई का खत आया है, उसमें लिखा है हमारी बेटी के लिए उसने एक लड़का ढूंढा है। घर है, खेत हैं, खाता पीता परिवार है, हमारी बेटी मैना वहां खुश रहेगी।
आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ नानी, मैना और मैं जानते हैं। नाना साहेब, साईं बाबा से कुछ नहीं छुप सकता। साईं बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। नाना, नानी के भाई ने जिस लड़के की बात की है वो लड़का अच्छा है। हमारी मैना और वो सुख से रहेंगे, उनकी शादी कर दो। और हां, गांव लौटकर जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है टीका लगवा लेना। खतरे की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाद सारा गांव टीका लगवाएगा तो महामारी से सबकी रक्षा होगी। आप तो सब जानते हैं। साईं बाबा अंतर्यामी हैं। मैं जान गया हूं, आप ही शिरडी के चलता बोलता देव हैं। यहां आते समय आप ही ने डाकुओं से हमारी रक्षा की थी। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मैं आपके बार बार बुलाने पर भी यहां नहीं आया। मैं आपका अपराधी हूं, अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इनकी पूजा ही मेरा धर्म है। चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। नानी, मैना, दर्शन हो गए साईं बाबा के। यूं समझो कि भगवान के दर्शन हो गए। साईं बाबा ने केवल मेरी तरफ देखा, मेरा दिल गदगद हो गया। ऐसा लग रहा था
जैसे मैं तन और मन दोनों से पवित्र हो गया हूं जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या वर्णन करूं मैं साईं बाबा का, वो योगियों के योगी हैं, योगी राज हैं, गुरुओं के गुरु हैं, पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत है। वो कहने को तो शिरडी में होते हैं लेकिन एक ही समय में कई जगहों पर दिखाई देते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं, उनके मुख से सदैव अमृत की वर्षा होती रहती है। द्वारिका माई में एक पुरानी ईंट है जिस पर साईं बाबा अपना हाथ टेक कर दीवार का सहारा लेकर बैठते हैं और रात को जब बाबा सोते हैं तो उस ईंट पर अपना सर रखकर सोते हैं। किसी ने उनसे उस ईंट के बारे में पूछा तो साईं बाबा ने कहा, ये ईंट नहीं है, मेरा भाग्य है, मेरी जीवन संगिनी है ये, इसे अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन करता हूं। मुझे ये प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन नाना, साईं बाबा जैसी दिव्य विभूति को एक ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतनी ममता क्यों? साईं बाबा जैसे करुणा अवतार जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं तो लोगों के लिए वो गुड़ लीलाएं करते रहते हैं। मेरी अपनी सोच है कि साईं बाबा हम सभी को संकेत देते हैं कि मनुष्य जीवन ईंट के समान है, उसे संभालो, सन्मार्ग पर रखो उसे। अगर कुमार्ग पर गए तो टूटने वाली ईंट की तरह जीवन की दशा हो जाएगी। जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करता है। मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं सत्य को उजागर करते हुए कहूंगा कि भव सागर पार करने के लिए शास्त्रों के अध्ययन अथवा साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु पर विश्वास पर्याप्त है। ये जान लो कि गुरु ही करता है और जो गुरु की महानता से परिचित हो, जो गुरु को हरि, हर ब्रह्मा, इन तीनों विभूतियों को अवतार समझता है वो धन्य है, सबका मालिक एक है। दासगणों, साईं बाबा के शिरडी का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। नाना साहेब, सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है, इसीलिए मैं हरि कीर्तन करता रहता हूं। साईं बाबा का कीर्तन करो दासगणों, साईं बाबा का।
आपकी जिह्वा तो शिरडी के साईं बाबा का कीर्तन करते हुए थकती ही नहीं है। क्या भगवान का कीर्तन करते हुए किसी की जिह्वा थकती है दासगनु? साईं बाबा अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने आनंदी का और संत एकनाथ ने पैठण का महत्व बढ़ा दिया, उसी प्रकार साईं बाबा ने शिरडी का महत्व बढ़ा दिया। साईं बाबा की वजह से शिरडी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महीबलेश्वर बन गई है। नाना साहिब, क्षमा चाहता हूं। मेरा तीर्थ क्षेत्र सदगुरु श्री वामन शास्त्री के चरणों में है। मैंने गोली बुआ को भी कह दिया है कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चाहे कितना भी इनकार करो दास करो, शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र है और यही तुम्हारा पंढरपुर है। जय हरि विठ्ठल, जय जय। कोई आ रहा है कालू? हवलदार गणेश है। दासगढ़ू, आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे। रुको। लेकिन ये जा कहां रहा होगा? स्टेशन जा रहा होगा। जिसका एक गुरु है वामन शास्त्री, अगर ये अपने गुरु के पास जा रहा है तो ये गांव जल्दी वापस नहीं लौटेगा। सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, ये तो गांव में है नहीं, तो क्यों ना हम मारवाड़ी के घर पे डाका डाल दें। जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। नमस्कार दासगनु। नमस्कार सदगुरु श्री वामन शास्त्री जी, कैसे हैं? दासगनु जी, उन्होंने संकेत दिया है कि वो शीघ्र, अति शीघ्र अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। तुम आ गए दासगणु, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो दासगणु। आप समाधि ले रहे हैं गुरुदेव? आपके बिना कौन हमारा कल्याण करेगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा गुरुदेव? साईं बाबा। साईं बाबा? तुम शिरडी चले जाओ दासगणु, साईं बाबा ने तुम्हें कई बार बुलाया लेकिन तुम गए नहीं। साईं बाबा ही तुम्हारे जीवन को योग्य दिशा देंगे, साईं बाबा ही तुम्हारे असली गुरु हैं। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। दासगणु जी, तुम भजन करोगे? मैं भजन सुनना चाहता हूं। जय जय हरे विठला।
तेरी करे वंदना विठोबा, तेरी करे वंदना विठोबा, जय जय हरे विठला विठला पंढरीनाथ महाराज की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। गुरुदेव, क्या हुआ साईनाथ? आप कुछ बेचैन हैं? आज एक महान आत्मा का कार्यकाल समाप्त हुआ। मेरे एक साथी ने आज समाधि ले ली। कौन है ये महान आत्मा साईनाथ? वामन शास्त्री, वामन शास्त्री जैसे साधु संत ही ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं श्यामा। जब धर्म की आड़ में अधर्म होने लगता है, अलग अलग धर्मों के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जब धन, संतान और स्त्री को ही सब कुछ माना जाने लगता है, तब सत्य मार्ग से हटकर अधोपतन की तरफ जाने वाले समाज का वामन शास्त्री जैसे संत ही मार्ग दर्शन करते हैं। ऐसे संत अपने उपदेशों से, अपने आचार से धर्म की संस्थापना करते हुए अधर्म की ओर गिरते हुए समाज को रोकते हैं। उन्हें ना तो प्रशंसा चाहिए होती है और ना ही स्तुति गान। समुंदर के दीप स्तंभ की तरह वो समाज को सत्य
सत्य का मार्गदर्शन और दिशा दर्शन करते हैं। आज कैसे ही दीप स्तंभ का दीप बुझ गया महालसापति वामन शास्त्री, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। चलो चलो रुपया जेवर है नहीं लूटा, एक मारवाड़ी का हत्या भी हुआ है, तुमको क्या पता? तुम तो ड्यूटी पर नहीं था। मैं ड्यूटी पर ही था साहेब। यू शट अप। आइए नाना साहेब, देखिए ये हवलदार कितना झूठ बोलता है। ये कहता है कल रात हम गांव में ड्यूटी पर था जब मारवाड़ी के यहाँ डाका पड़ा, मगर हमको खबर मिला है ये आज सुबह सुबह इस गाँव में आया है। जी हाँ, मैं आज ही सुबह गाँव में आया हूँ। अगर आज तुम गांव से आया है तो ड्यूटी पर कैसे था? मैं डाकुओं का पीछा करने गया था, लेकिन वो अंधेरे में ही गायब हो गए। तो तुम डाकुओं का पीछा कर रहा था। देखो हवलदार, हमको तुम पर विश्वास है, हम तुमको एक चांस और देता है। जी। एक महीने के अंदर तुम उन सब डाकुओं को हमारे सामने हाजिर करोगे, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो हम तुमको सस्पेंड कर देगा। और हाँ सुनो, हम तुम्हारा तरक्की भी रोक सकता है। हाँ, तुम कभी पहुंचा नहीं बन पाएगा, अंडरस्टैंड? मेरे गुरुदेव ने मुझसे दो पैसे दक्षिणा में मांगे, उन दो पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा या श्रद्धा और सबरी यानी धैर्य। दृढ़ निष्ठा से श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करते रहो और धैर्य पूर्वक गुरु प्रसाद की प्रतीक्षा करते रहो, श्रद्धा और सबरी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सबका मालिक एक है। मेरा ध्येय तो ईश्वर प्राप्ति है, मुझे सद्गुरु की कृपा चाहिए। झूठ बोलकर सद्गुरु की कृपा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है दासगनु? मैं झूठ नहीं बोलता नाना साहिब। तो क्या आपने जो हेस्टिंग्स से कहा वो सच था? आधा सच था। मतलब? मैं ड्यूटी पर था ये सत्य है, क्योंकि मैं अपने सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जी की ड्यूटी पर था। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब क्योंकि मैं गांव में नहीं था इसलिए ये आधा सच हुआ। और वो जो आप कह रहे थे कि आप डाकुओं का पीछा कर रहे थे, क्या वो भी सच था? वो भी आधा सच है नाना साहेब। कालू जब इससे पहले गांव में आया था तब मैंने उसका पीछा किया था।
लेकिन वो भाग गया था। मैंने ये नहीं कहा नाना साहब कि मैं कब डाकुओं का पीछा कर रहा था। इसलिए मेरा ये कहना भी आधा सच था। दास गनू चाचा, कितनी अच्छी दलीलें दी हैं आपने। आपको तो वकील होना चाहिए था। देखो तो दास गनू उदास हो गए, कहीं इसलिए तो नहीं कि फौजदार का पद हाथ से जाने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी, मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सदगुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साई बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साई बाबा? नाना साहिब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे? शायद यही साई बाबा का बुलावा होगा आपको भी। चले जाइए ना, लड़का मैना को देखने आने वाला है, आप भी साई बाबा का आशीर्वाद लेकर आइए। कुछ सोचिए और बना। अरे राम राम राम, अरे मूर्खो तुम दोनों। हम आ गए दास गनू। जिस तरह से शिरडी में साई के लिए बाहर से लोग आने लगे हैं, लगता है उसकी कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों तरफ फैल रही है। ओम जय साई नाथ, जय साई नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, आज वक्त मिला तुम्हें यहां आने का। शबाश साईदा, शबाश, शबाश बाबा, शबाश बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे श्याम हैं। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी राज सचिदानंद श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दास गुरु,
सरकार की नौकरी छोड़कर यहां नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा के कहने का मतलब है अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ, कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं दास करू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे, फंस जाओगे तुम दास करू। बोलो कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना, याद रखो मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब लौटोगे? मुझे एक महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हथियारों को पकड़ना है। तो जाओ पकड़ो, लेकिन एक महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना। अरे नाना, तेरी मैनाताई को लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? उसी लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ साईं बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा भक्तों के साथ रहता है। अल्लाह, यहूदी रखो, यही मेरा आशीर्वाद है। हे साईं बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर मैंने मारवाड़ी के हत्यारे कालू भील और उसके साथियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूंगा। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक है। बच्चों, नाना साहब चंदूरकर साहब का घर कहाँ है? अगली गली में। चलो हम मैनाताई के घर चलते हैं। उस मूछ वाली औरत ने नाना साहब का पता पूछा था मुझसे। हाँ, चलो चलो चलो। मूछ वाली औरत? नाना साहब के घर का पता? नाना साहब ने नैना की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए हैं, घर में पैसे भी होंगे। इस वक्त घर में नानी और मैना ताई ही होंगे।
पूछों वाली औरत, कहीं ये कालू भील तो नहीं? महालसापति श्यामा, दासगढ़ बुद्धिमान है। लेकिन हुआ क्या साईनाथ? कौन सी बुद्धि दिखाई दासगणु ने? उसने कालू भील को पहचान लिया है। हाँ। ये भाई, कौन हो तुम? ये हवलदार भी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। ए, पकड़ो पकड़ो, औरत के भेष में कालू भील है। पहचान लिया हवलदार ने। जाओ, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचोगे। कालू भील, इसी ने मारवाड़ी के घर पर डाका डाला था और इसी ने उसकी हत्या भी की थी। सर, अभी एक महीना पूरा नहीं हुआ, मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है। आज दासगढ़ मेरी नौकरी करने आ रहा है। नाना भी आएगा, नानी और मैना बेटी भी आएगी। आज तो उत्सव का दिन है। आज मेरे कई भक्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। हाँ, देखो आ गए सबके सब। सत्य है, साईं नाथ को दिव्य दृष्टि है। हाँ, वो सब जानते हैं। करने और करवाने वाले तो आप हैं साईं बाबा। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए उसका तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप ही ने मेरे लिए वर चुना, आप ही ने मेरी शादी तय की और मेरा भविष्य भी आप ही बनाने वाले हैं। मैं कृतज्ञ हूँ साईं बाबा, मैं कृतज्ञ हूँ। बस बाबा, एक विनती है आपसे, आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह हमारे परिवार पर बनी रहे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बाबा, आपको मैना की शादी में आना होगा। क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। ये मैना की शादी की निमंत्रण पत्रिका है, आप आशीर्वाद दे दीजिए।
क्यों गड़ू? पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। ऐसा कैसे साईं बाबा? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम फौजदार के पद के मोह में फंस गए हो गड़ू। इस मोह माया से बाहर आ जाओ। श्यामा, महालसापति, नाना, तुम्हें पता है अनेक प्राणियों को पैदा करने के बाद भी ईश्वर का दिल नहीं भरा और उसने मनुष्य प्राणी को उत्पन्न किया। ये मानो ईश्वर की अद्भुत रचना है, परंतु कृतज्ञ होने की आराधना करने की बजाय मोह माया के अधीन हो गया। जानता है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं, फिर भी अपने मन की बात ईश्वर से छिपाता है। क्यों गड़ू? तुम्हारी मर्जी गड़ू, लेकिन याद रखना, ईश्वर के चरणों में शरण लेने में ही तुम्हारी भलाई है। सबका मालिक एक है। सब दरोगा साहब, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपने पांव पड़ती हूँ। ओह माय गॉड, उसे छोड़ दीजिए। होल्ड आउट, ये औरत कौन है? ये औरत उस आदमी की पत्नी है सर, जिसने बाजार में तोड़फोड़ की थी और जिसे हमने लॉकअप में बंद कर दिया है। नहीं नहीं, मेरा पति निर्दोष है साहब। वो कितना निर्दोष है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने जो नुकसान किया उसका जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। हाउल्ड ऑन, इसका जुर्माना कितना होता है? 32 रुपए सर। जब तक तुम 32 रुपए नहीं भरोगी तब तक हम तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसा है। ओके ओके ओके, हवलदार, तुम ये पैसा गिनो जी और इसको रसीद दे दो जी। हम राउंड पर जा रहा है। ठीक है। सब देखो, पूरे पूरे 32 है। अच्छा। गिन लो। साहब, अब तो उन्हें छोड़ देंगे ना? इतनी जल्दी नहीं, पहले जुर्माना बड़े दफ्तर में जमा होगा। उसके बाद जब साहब हुक्म देंगे तब छोड़ देंगे। साहब जल्दी छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये ले रसीद साहब। हाँ। मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ, छूट जाएंगे। छोड़ देना। गड़ू, तुम्हारा तो बहुत ही रौब है। साईं बाबा, आप यहां क्यों? फौजदार बन गए गड़ू? परीक्षा तो पास कर ली है साईं बाबा, इंस्पेक्टर साहब ने बोल भी दिया है, बस समझ लीजिए फौजदार बनने ही वाला हूं। समझ की ही तो बात है, जो वो चाहता है वो तुम नहीं समझ रहे हो। उसने तुम्हें पुलिस की नौकरी के लिए नहीं भेजा है। शिरडी आ जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में है। हाँ।
साईं बाबा, साईं बाबा। किसे ढूंढ रहे हो दासगनु? साईं बाबा को। साईं बाबा को यहाँ? साईं बाबा तो शिरडी में होंगे दासगनु, उन्हें यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं नाना साहब, वो अभी अभी यहीं थे। तुमने देखा? हाँ। इसका मतलब है कि साईं बाबा ने तुम्हें याद किया है, वो तुम्हें शिरडी बुला रहे हैं। लेकिन नाना साहब, अभी मेरी यहाँ तरक्की होने वाली है, मैं फौजदार बनने वाला हूँ, फिर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूँ? साईं का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा दासगनु, बस इतना समझ लो, वही होता है जो साईं को मंजूर होता है। मैं चलता हूँ, मैना बेटी की शादी की निमंत्रण पत्रिका देनी है, ठीक है? रुकिए, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारा पति को फिर से हवालात में बंद कर दिया? साहब, मेरे पति को अभी हवालात से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े, अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। बड़ा स्टूपिड है, अभी तक नहीं छोड़ा। ओके, हम अभी छोड़ता है। मिस्टर दासगनु, दिस इज करप्शन, और हम अपना पुलिस स्टेशन में ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहाँ गया 32 रुपया? तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं जमा किया? यू आर फायर। हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सर्वे से टर्मिनेट करेगा। लेकिन सर, हमने कोई पैसे हम पहले इंक्वायरी करेगा, अगर तुम डिफॉल्ट पाया गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? गड़ू, तुमने गोदावरी नदी में खड़े होकर मुझे वचन दिया था कि डाकू और लूट का माल मिल जाने के बाद तुम मेरी नौकरी में आ जाओगे। लगता है तुम अपना वो वचन भूल गए हो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, फौजदार के पद का मोह त्याग कर मेरे पास आ जाओ, अपना वचन निभाओ गुरु, मेरे पास आओ। साईं बाबा, शुभमंगला सावधान।
साईं बाबा नहीं आए? बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। मुझे खाना दे दो, मालिक तुम्हारा भला करेगा। अरे ये यहाँ कैसे आया? हटाओ उसको यहाँ से। जाओ जाओ, बाहर जाओ। नाना। समझ गया बेटी। रुक जाइए, बाहर जाओ। रुक जाइए, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। दासगनू। जी नाना साहेब। कृपया करके इनके लिए भोजन का इंतजाम कर दो। बेटी तुम अन्नदान नहीं करोगी? जी। पर नाना साहेब, इसे पूछिए तो सही, ये यहां कैसे आया? ये भगवान का घर है और भगवान का घर सबके लिए खुला रहता है। मैना बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है और इसे हर किसी का आशीर्वाद चाहिए। भिखारी का आशीर्वाद? साईं बाबा ने कहा है, हर किसी में ईश्वर होता है। अगर हम पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं तो इस भिखारी में क्यों नहीं? लो बेटी, ये लो मैना बेटी। लो बाबा। बाबा, आपको भोजन देने में जो देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मैं आप में अपने आराध्य देवता साईं बाबा के दर्शन कर रही हूँ। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। बाबा, बाबा। हाँ हाँ, बस उसके बाद बड़ा अच्छा हो गया। हाँ वही तो। हाँ, किसे ढूंढ रहे हैं आप? भाई अभी अभी एक भिखारी अंदर से बाहर आया था। अजय गणेश सहस्र बुद्धे, अंदर तो शादी हो रही है, भिखारी क्यों अंदर जाएगा? और अंदर जाएगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब ये है कि जब कोई भिखारी अंदर गया ही नहीं तब वो अंदर से बाहर कैसे आएगा? हम सब तो कब से यहीं खड़े हैं। हाँ। शायद है। चलो चलो चलो। साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे किया वादा निभाया नहीं। लेकिन अब मुझे फौजदारी का पद का कोई मोह नहीं बाबा। अब मुझे आपके दर्शन करने हैं बाबा। मैं आपको वचन देता हूं कि 32 रुपयों की हेरा फेरी का जो झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है उससे छूटते ही मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी में हाजिर हो जाऊंगा। बाबा, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो साई बाबा। साईं
32 रुपया हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ये रुपये तो हमारे टेबल के फाइल के अंदर पड़ा था। I couldn't understand. Oh my God. I am sorry, Havaldar. I am sorry. हमने तुम पर बेवजह शक किया, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगता है और हम जरूर अपने हाईकमान से तुम्हारी फौजदारी के दावे के लिए सिफारिश करेगा। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और अब मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। तुम सरकारी नौकरी छोड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो पागल हो गया है? पागल तुम्हें अब तक था सर, अब मुझे अकल आ गई है। अब मैं पुलिस की नहीं, जिंदगी भर साईं बाबा की नौकरी करूंगा, साईं बाबा की नौकरी करूंगा। वेणु बाई, आज द्वारिका माई में आनंद और उत्सव होगा। कोई खास बात है साईं बाबा? हाँ, आज नाना नानी, मैना बेटी और जमा ही राजा आ रहे हैं। प्रणाम साईं बाबा। राधा कृष्णा माई, मैना बेटी आ गई। सदगुरु साईं बाबा, मुझ जैसे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मैं ये भूल गया था कि गुरु चरणों में ही मोक्ष है, मुक्ति है। मोह माया में पढ़कर मैंने आपका आदेश न मानने की धृष्टता की है। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो गुरु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। उठो, गड़ू, तुम ईश्वर भक्ति का प्रसार करो, लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति जगाओ, कीर्तन करो, प्रवचन करो, लोगों में जागृति लाओ, उनसे कहो कि विकारों के अधीन ना हो, अपने गुरु के अधीन हो जाओ। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य और महत्व उन्हें समझाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा
सदगुरु साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक गणित पाल भगवंता ओ भिज हितकारी जय असुरारी बिंदु सुता प्रिय गंगा आयन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जाने कोई जो सहज कृपा शादी में क्यों नहीं आए? नानी, मैं शादी में आया तो था। लेकिन साई बाबा, आप आए थे तो कहाँ थे? मैं तुम सबके सामने ही तो था। सामने? हमारे सामने? हाँ नानी। क्यों दासगढ़ू? हाँ नाना साहेब, साई बाबा वहाँ आए थे। इन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा भी था कि अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। भूल गई मैं ना बेटी, तुम्हीं ने तो मुझे भोजन दिया था और माफी भी मांगी थी कि भोजन देने में देर हुई। बाबा, आपको भोजन देने में जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। हाँ बाबा। मेहनत आई, खाना बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि खाने में तुम सबके दिलों में बड़ों के लिए जो आदर और प्यार था वो मिला हुआ था, और वो हमदर्दी भी मिली थी जो द्वार पर आए किसी भूखे प्यासे के लिए होनी चाहिए। वाह वाह नाना वाह, मैं सचमुच तृप्त हो गया। मेहनत आई, ससुराल जाने से पहले तुम अपने पति के साथ इस द्वारिका माई में आई हो आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ साईं बाबा। दुख में हर किसी को ईश्वर याद आता है, लेकिन जो सुख में भी अपने गुरु को अपने ईश्वर को याद करता है वो सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त होते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा मेहनत आई। साई कथाएं, साई कथाएं, साई कथाएं।